हेलो दोस्तों, आपकी रेनू फिर से आ गई एक झटपट न्यू रेसिपी के साथ में। अक्सर जब भी हम मार्केट जाते हैं तो गुलाब जामुन मिक्स पाउडर लाते ही हैं और ये हमेशा हमें बाय वन गेट वन में ही मिलता है। एक पैकेट का गुलाब जामुन तो हम तुरंत बना लेते हैं और दूसरा पैकेट ऐसे ही रखा रह जाता है, पर आज हम उसी से बनाएंगे गुलाब जामुन टी लोफ, वो भी बिना किसी झंझट के सिर्फ 5 मिनट में और वो भी कढ़ाई में। इस केक को आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो और आप शाम की चाय के साथ इस केक को एंजॉय कर सकते हो। तो आइए फटाफट बनाते हैं इसको। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और वो भी हैवी बॉटम वाली होनी चाहिए। सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक और रखेंगे ये वाला स्टैंड जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है। अगर ये ना हो तो आप कोई ढक्कन भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस नमक को हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है, कम से कम 10 बार आपका यूज़ हो जाएगा ये नमक। अब हमें कढ़ाई को प्री हीट करना है, 5 मिनट फुल फ्लेम पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे हमें कढ़ाई को प्री हीट करना है। इस केक को बनाना इतना आसान है कि इसमें बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, इसमें डालेंगे गुलाब जामुन का प्री मिक्स और साथ ही में डालेंगे मैदा। मैंने इन दोनों को छान के यूज़ किया है, आप भी इन दोनों को छान कर ही यूज़ करें। और अब जाएगी इसमें घर की पिसी हुई चीनी जिसको मैंने छान कर यूज़ किया है। दोस्तों, आप भी चीनी को छान कर ही डालें। अब जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। यहाँ पर आपका बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक अच्छे से राइज नहीं होगा। अब जाएगा इसमें दूध, वो भी रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अभी सारा दूध नहीं डाला है, 2-3 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है। यहाँ पर दूध आपको कम या ज़्यादा हो सकता है, ये आपकी मैदा के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 20 ml ऑयल भी डाला है, बट वो वाली क्लिपिंग मेरी डिलीट हो गई है, तो आप इसमें 20 ml ऑयल भी ऐड कर लेना या 1 टेबल स्पून। ये देख रहे हो आप, मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर दूंगी। अब एकदम परफेक्ट हो गया केक का बैटर, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। अब डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, क्योंकि हम गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो इसमें मेन फ्लेवर इलायची का ही होगा, इसमें वनीला नहीं जाएगा। इसके लिए मैंने एक लोफ टिन लिया है, सबसे छोटे साइज़ का। इसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और सेफर साइड के लिए बटर पेपर भी लगा दिया है। आप इस केक को राउंड टिन में भी बना सकते हो। अब केक बैटर को इस लोफ टिन में डालेंगे। आपको इस केक टिन को हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही भरना है, पूरा नहीं भरना है। बैटर को डालने के बाद थोड़ा सा आपको टैप करना है इस तरीके से, ताकि अंदर के सारी एयर निकल जाए और हमारा केक अच्छे से राइज हो और अच्छे से बेक हो जाए। अब ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता, बादाम और काजू। यहाँ पर इनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। दोस्तों, आइए इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो गई है। इस लोफ टिन को मैं इस स्टैंड के ऊपर रख दूंगी और इसके ऊपर लगा दूंगी ये ढक्कन। इसे हमें लो फ्लेम पर ही बेक करना है। आपको 15 मिनट से पहले इसका ढक्कन नहीं खोलना है। इसको बेक होने में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। दोस्तों, 20 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं 5 मिनट के लिए केक को इसी कढ़ाई में रहने दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है और राइस भी हो गया है और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ये देखिए, केक ने अपनी साइड भी छोड़ दी है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। इसको हम टूथपिक डालकर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम क्लीन है हमारी टूथपिक। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।